आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बिजली विभाग की लापरवाही आए दिन सुर्खियों में छाया रहता है। अब तक तो देखने में आया कि कहीं बिजली की समस्या तो कहीं बिजली बिल की समस्या, लेकिन इस बार बिजली विभाग ने तो हद ही कर दी। ना खंबे गड़े ना तार लगे, 11 वर्षों से बिजली की आ रही है बिल। जी हां, ये मामला गाजीपुर के जखनिया तहसील के सिखड़ी गांव के पंचायत भवन की है, जहां 11 वर्षों से बिना कनेक्शन के ही बिजली बिल भेजी जा रही है। 2010 में ग्राम प्रधान राजमती देवी ने पंचायत भवन को बिजली मुहैया कराने के लिए बिजली विभाग को 20,000 की रकम जमा की थी। इस रकम से पंचायत भवन में खंबे और तार लगाकर बिजली शुरू करनी थी, परंतु विभागीय अधिकारियों की घोर लापरवाही से ना पंचायत भवन में खंबे गड़े ना ही तार लगे। इसके बावजूद कार्य पूर्ण बताकर बिल अप टू डेट करा दिया गया। 3 साल पहले जब ग्राम प्रधान को इस बाबत जानकारी हुई तो विभागीय अधिकारियों को फिर से प्रार्थना पत्र दिया। सूचना के बाद जेई ने अपने रिपोर्ट में ना खंबे गड़े ना तार लगे जैसे रिपोर्ट आला अधिकारियों को सौंप दिया। इसके बाद भी 8 सालों से लगातार बिजली विभाग बिल भेज रही है। बिना कनेक्शन 5,59,501 रुपए का बिल भेज देने से ग्राम सभा के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अशासी अभियंता से बात की गई तो बताया कि 2011 में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र यादव ने कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था। अब तक कनेक्शन नहीं लगा कि नहीं लगा, इसके लिए SDO को जांच के लिए निर्देशित किया गया है। जांच के उपरांत आगे की कार्यवाही की जाएगी, परंतु अब सवाल ये उठ रहा है, बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही सामने कैसे आई? न्यूज 9 भारत के लिए गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। पंचायत भवन बना था, इनके द्वारा 10/7/2011 में कनेक्शन के लिए अप्लाई किया गया था। उस समय जो भी रहा हो, इनको कनेक्शन मिला या नहीं मिला, इन्होंने 1 हफ्ते पहले हमारे पास कंप्लेन किया अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिसकी जांच के लिए हमने SDO को आदेशित कर दिया था। जो भी उसकी फाइंडिंग होगी, अगर विद्युत का उपभोग कर रहे हैं तो विद्युत का बिल देंगे, अगर वो विद्युत का उपभोग नहीं किया होंगे तो उनका बिल को भी खत्म कर दिया जाएगा। समस्या ये है मेरी कि 2011 में सरकार द्वारा पंचायत भवन पे बिजली का तार लगाना था, जिसका मैं 20,000 कुछ रुपये जमा किया, और आज तक मैं खम्भा लगा ना तार लगा, और बिजली विभाग द्वारा 6,51,000 रुपये बिल आया, जिसका मैं कई बार एप्लीकेशन दिया, प्रार्थना पत्र दिया अधिशासी अभियंता को और ये लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लगातार मैं दौड़ता रहता हूं, लेकिन यही समस्या है कि इसको जीरो करके पुनः यह खम्भा तार लगा करके इसको कनेक्शन दिया जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।